विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 4 मार्च को सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान कोविड से बचाव के लिए SOP का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर एक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। दर्शक दीर्घा में 50% की क्षमता से पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध न हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आग्रह किया गया है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्र को लगातार कम किया जा रहा है। सत्र में केवल 16 बैठकें की जा रही है, इस तरह साल में 35 सीटिंग कैसे होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार की 4 साल की नाकामियों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। आगंतुक जो मिलने के लिए आते हैं तथा जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय विस्टर रूम में समय समय पर मिलते रहेंगे। पुलिस विभाग तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ये जिम्मेवारी प्रशासन की और विधानसभा सचिवालय की रहेगी। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए 50% क्षमता के साथ पास जारी किए जाएंगे। अतः एक दिन में भोजन अवकाश से पहले 50 क्षमता के अनुसार 70 दर्शकों को तथा भोजन अवकाश उपरांत उतने ही आगंतुकों को विजिटर्स को पास जारी किए जाएंगे होगा तथा सामाजिक दूरी अपनानी होगी। इस सत्र के दौरान 480 पुलिसकर्मी, 70 होमगार्ड के जवान तथा CID की टीम भी ड्यूटी पर तैनात रहेगी। पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक में निर्धारित किया गया कि प्रत्येक समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी का एक ही संवाददाता पत्रकार दीर्घा में बैठेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संवाददाता को भी पत्रकार दीर्घा में बैठने की अनुमति देंगे। इसके लिए मैं आप सभी से सहयोग की अपील करता हूं। देखिए कि विपक्ष बिल्कुल नेक इरादों से जाएगा और अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसको हमने अटेंड किया। एक तो हमारे अपने कंसर्न है वो हमने स्पीकर साहब से रेज किए कि ये सेशन की अवधि को संक्षिप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं है कि अब 15-16 सीटिंग्स तक आपने इसको सीमित कर दिया तो 35 सीटिंग्स होनी है, तो 35 सीटिंग्स कैसे हो पाएंगी। और सेकंडली बजट के बाद रिसेस का एक कन्वेंशन था कि रिसेस होगी, लोग बजट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उस पर डिबेट होगा, तो वो भी समाप्त कर दिया। तो सरकार के जो ये तौर तरीके हैं, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो है सेशन नोटिफाई होता है, तो ये लगातार जो सेशन को छोटा करना और उसकी रिवायतों को बदलना, तो हमने उस पर एतराज़ तो जताया। अब इनका अंतिम सेशन है, अंतिम बजट है और नोटिफाई किया जा चुका है।